हाय एवरीवन, आज हम रेड कॉटन बग पर जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। यह ऑर्डर हेमिप्टेरा के फैमिली पार्चोकोरिडी का सदस्य है। यह वैज्ञानिक भाषा में डिसडर्कस सिंगुलेटस या डिसडर्कस कोंजी के रूप में जाना जाता है। इसके अन्य नामों में लाल मतकुड, गंधजोर, लाल बग, कॉटन स्टेनर भी होता है। कपास, भिंडी, मक्का, बाजरा, गेहूं, तरबूज, सन इत्यादि इसके पोषक पौधों में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पूरे विश्व में जहां भी कपास की खेती होती है, यह पौधा या इस पौधे के ऊपर ये कीट दिखाई ही पड़ता है। वैसे भारत में विशेषकर ये उन राज्यों में जहां कपास की खेती होती है वहां क्षति करता है। जो इसका वयस्क जो होता है 1.25 सेंटीमीटर लंबा, गहरा चमकदार रंग का होता है। इसके प्रत्येक अगले पंखों पर पीछे की ओर काले धब्बे होते हैं। इसके शरीर के निचले भाग में सफ़ेद धारी होती है तथा किनारा जो होता है इसका काला दिखाई पड़ता है। जो डैमेजिंग स्टेज है, निम्फ और एडल्ट्स दोनों ही अवस्थाएं नुकसान करने वाली होती हैं। क्षति की प्रकृति एवं आर्थिक महत्व की जब हम चर्चा करते हैं, शिशु और प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों, कोमल तनों, फलों और बीजों का रस अपने चुभाने चूसने या पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट से चूसते हैं। परिणामतः पौधों की बढ़वार रुक जाती है, वह रेशे कम तथा खराब बनते हैं। बीज बोने और तेल निकालने लायक भी नहीं रह जाता है। इसके द्वारा 50% तक की हानि हो जाती है। भारतीय जातियों की अपेक्षा अमेरिकन कपास नुकसान ज़्यादा होता है। क्षतिग्रस्त भागों में लाल कवक रोग, नेमेटो स्पोरा गॉसिपियाई कपास के रेशों को लाल कर देता है। यह कपास को अपने मल पदार्थ द्वारा भी गंदा कर देता है। धुनाई के समय यह कपास के साथ कुचल जाता है, जिससे कपास पर गंदे धब्बे लग जाते हैं। इन्हीं कारणों से इसको कॉटन स्टेनर भी कहा जाता है। जो बायोनॉमिक्स की बात करें तो प्रौढ़ और निम्प दल बनाकर रहते हैं और कपास के गोलों पर बड़ी मात्रा में लिपटे रहते हैं। 25 से 30% या 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तथा 40% आर्द्रता पर यह कीट अनुकूलित रहता है। प्रौढ़ अवस्था सर्दियों में बीतता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच यह अपनी सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था में रहता है। गर्मियों में मई से अगस्त के माह में आर्द्रता कम होने के साथ ही इसकी संख्या घटने लगती है। जीवन इतिहास की जब हम चर्चा करते हैं तो एक तरह से इसमें ट्रायंगल बनता है। एग, निम्फ और एडल्ट्स होते हैं। जो अंडा होता है, मादा कीट द्वारा भूमि की दरारों या कूड़े करकट में झुंडों में दिए जाते हैं। अंडों की कुल संख्या जो होती है 70 से 80 के करीब होती है। अंडे देने के बाद मादा मिट्टी से इन्हें ढक देती है। अंडे 1.2 मिलीमीटर लंबे, हल्के पीले रंग के दिखाई पड़ते हैं, जो अप्रैल से अक्टूबर तक दिए जाते हैं। शिशु जो है लाल रंग के एवं झुंडों में कपास के फलों पर मिलते हैं। ऊपरी उदर लाल, जिसके बीच काले एवं सफ़ेद धब्बों की पंक्तियां उदर के पार्श्व तल में पाई जाती हैं। शिशु 4 बार त्वचा निर्मोचन करता है। 3रे निर्मोचन के पश्चात पंख कलिकाएं इसमें अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। कीट में जो प्रौढ़ होता है 18 मिलीमीटर तथा नर 13 मिलीमीटर लंबा होता है। प्रौढ़ कीट नवंबर से मार्च तक शीत निष्क्रियता में रहता है। जून एवं जुलाई का मौसम इनके लिए अनुकूल नहीं होता है। ये अगस्त से अक्टूबर तक अत्यधिक संख्या में मिलते हैं। नमी एवं तापक्रम के हिसाब से इनकी संख्या नियंत्रित होती देखी जाती है। यह कीट जो है कपास की पत्तियों व हरे गोलकों का रस चूस लेता है। यदि आक्रमण अधिक होता है तब गोलक ठीक से नहीं खुलते तथा रेशे खराब किस्म के होते हैं। संक्रमित कपास के बीजों में जो उगने का प्रतिशत भी काफ़ी कम हो जाता है। जब कपास के रेशे कपास के बीज से अलग करने वाली फैक्ट्रियों में कुचलते हैं तो वे कीड़े के उत्सर्जी पदार्थों व शरीर के रसों से सन जाते हैं एवं गंदे हो जाते हैं। जब हम नियंत्रण के लिए प्रयास करते हैं या जो प्रबंधन है इसका, कपास के खेतों को अच्छी तरह से जोतना चाहिए जिससे अंडे सूर्य के प्रकाश द्वारा नष्ट हो जाए। भिंडी की फसल को पास फसल की भांति बोना चाहिए और इस फसल पर एकत्रित नाशक पीड़कों को भिंडी के पौधों के साथ नष्ट कर देना चाहिए।
कपास के नम बीज खेतों में स्थान स्थान पर टांग देने चाहिए, जहां उन पर कीड़े एकत्र हो जाते हैं और उन्हें मिट्टी का तेल मिले पानी में डालकर जला देना चाहिए। जो बायो कंट्रोल है, प्रौढ़ तथा निम्फ परोपजीवी टेकिनीड फ्लाई, पायरचोकोरिड बग, एंटी लोचस स्पीसीज और रेडोवीड बग, हर्पेक्टर स्पीसीज विशेष रूप से इसमें होते हैं। और उसके अलावा जो चिड़ियाएँ हैं जैसे कोयल है, उल्लू भी इन कीटों को खाते हुए देखे जाते हैं। जो केमिकल्स हैं, बात करें तो नाशक कीट की आबादी को नियंत्रण में रखने के लिए 1 लीटर एंडोसल्फान 35% ईसी, 0.25 लीटर फॉस्फेमिडान 100% ईसी या 1 लीटर फेंट्रोथियान 100% ईसी का प्रति हेक्टर के अनुसार छिड़काव करना चाहिए। इस तरह से ये एक जानकारी जो था कपास का एक महत्वपूर्ण कीट जो है लाल कीड़े के ऊपर। हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।